रविवार की जब प्रदोष पड़ती है तो शिव बेलपत्र के पेड़ के नीचे निवास करते हैं। रविवार की प्रदोष, जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो अच्युत फल की प्राप्ति रविवार की प्रदोष करा देती है। मन में एक बार प्रदोष का व्रत मौका मिले, जिस कामना से जिस दिन का भाव आपके मन में आए कि मुझे रोग से मुक्ति पाना है तो ये प्रदोष मुझे करना है मई, और रोग मुक्ति के लिए हम मंगल, जो भी आपके मन में आ रहा है संतान प्राप्ति के लिए शनि चली प्रदोष, आप उसका स्मरण करें। फिर लिखा शिव महापुराण में बड़ा सुंदर लिखा विद्या जी ने, मान लो आप प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, आप अगर व्रत नहीं कर सकते तो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में शाम का समय सूर्य अस्त का कुछ पल कुछ घड़ी के पहले से लेकर बात तक का प्रदोष काल के अंतर्गत आप शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा पानी पांच बेलपत्र भी अगर समर्पित करते हैं तो संपूर्ण प्रदोष का फल आपके भाग्य में प्रफल हो जाए।